जरा देखो यार, काफी यहाँ पर टेंट तंबू तुम्बू लगा दिए उन्होंने, टेंट लग गया। वहाँ पर आइसक्रीम वाले भी आ गए और वहाँ पर रावण भी खड़ा कर दिया उन्होंने। और ये नदी बह रही है और ये हमारा पुल है। वो सारे छोटा भीम बच्चों के लिए तैयारी कर रखी है उन्होंने। चलिए यहाँ से वीडियो की शुरुआत करते हैं। जरा आपको लेके चलते हैं। वो देख रहे हो ऊपर वो चर्च भी दिख रहा है, ये खोड़द्वार का सबसे बड़ा चर्च है। ये तो जौनपुर में है, तो जौनपुर से इसकी दूरी ज्यादा नहीं है। अभी तो 12 बज रहे हैं लगभग, तो अभी तो जो बच्चे होंगे वो पहुंचे होंगे यहाँ पर। यार ये यहाँ पर भी ग्राउंड में ऐसे टॉयलेट का लगा रखा, जो मैंने आपको वहाँ के ग्राउंड में दिखाया था कांसीरामपुर तल्ला का, तो यहाँ पर तो 3 ही है, वहाँ पर बहुत सारे लगे थे। ये भी टॉयलेट के मकसद से लगाए गए। ये है हमारा फौजी ग्राउंड। वैसे फौजी ग्राउंड कई है दूसरे, जैसे कांसीरामपुर तल्ला को भी, उसको भी फौजी ग्राउंड कहते हैं। लेकिन बीच में कन्फ्यूजन भी हो गया था, भैया से मैं पूछ रहा था, उन्होंने मेरे को वही रास्ता बताया जिस रास्ते से मैं आ रहा था। तो उसके सामने एक दूसरा भैया था, उसने बोला कि इधर आओ, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। काफ़ी लोग, अगर आप पहली बार आ रहे हो उधर, तो आपके साथ भी ऐसा होगा। तो ये मंच है भैया, ये है मंच। रावण की सीट है, रावण की सीट है। अच्छा, वैसे पीछे जैसे देख रहे हो पीछे मंच बना हुआ है, उसी तरीके से एक यहाँ पर भी बना हुआ है। कहाँ गया मंच? ये वाला भी मंच बना हुआ है। तो होगा ये, देखते हैं रावण खड़े खा के कहाँ किए जाएंगे। तो ये दिखा देता हूँ पहले आपको तैयारी क्या क्या हो रही है यहाँ पर। जैसे कई बच्चों के लिए यहाँ पर खेलने के लिए मेला बना दिया है यहाँ पर बच्चों के लिए। धनुष बाण भी है, तलवार, मतलब दशहरा वाले ला रखे इन्होंने। बिल्कुल यहाँ पर जलेबी तैयार हो रही है भैया कर रहे हैं। जो खिलौने ला रखे ना ज्यादातर, ये गदा ला रखे और धनुष बाण ला रखे ज्यादा। और यहीं पर ये दाती वगैरह भी बेच रहे हैं, बैलन, कढ़ाई, तवा, मूंगफली भी आ गई यहाँ पर। अभी तो आपका जो क्षेत्र बचे हुए हैं ना, यहाँ पर भी अभी दुकानें लगेगी शाम तक। मेला बन गया भाई यहाँ पर। चूहा दानी भी ला रखे। शाम को जब आओगे तो आपको ये चीजें यहाँ पर मार्केट में देखने को मिलेगी। अब जरा हमें जाना है, वो देखो वहां पर वो पुतला खड़ा भी हो गया है, तो उस पुतले की तरफ जाते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। अभी इससे पहले मैंने कभी भी रावण दहन किसी भी ग्राउंड में अभी तक अटेंड नहीं कर रखा है। तो ये मेरे नया एक्सपीरियंस होने वाला है कि किस तरीके से यहाँ पर रावण खड़ा करते हैं या फिर कैसे उसे फूका जाता है। तो मैं उम्मीद करूंगा शाम तक मैं इधर ही के कहीं इलाके में रहूं, जो कि आपको यहाँ पर भीड़ वगैरह दिखा सकूं और कैसे रावण जलता है वो सब दिखा सकूं। फिलहाल तो काफ़ी टाइम है, लगभग 5-6 घंटे लग जाएंगे। फिलहाल जरा कांगेर रावण साहब वहाँ पर खड़े हो रखे। अच्छा, तो यहाँ पर बाल रामलीला होती थी, मुझे लग रहा है रामलीला भी यहीं पर ही हुई, कल ख़त्म हो गई थी।
तो आज इन्होंने क्या किया, रामलीला ख़त्म हो गई तो इन्होंने आज यहीं पर ही दशहरा बना रहे हैं। तो ये कोटद्वार का पहला ग्राउंड है, इसके अलावा भी शायद से कहीं और होती होगी रामलीला, अगर होती मतलब दशहरा बनाया जाएगा, अगर बनाया जाएगा तो उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल तो इसको देखो आप, एक रावण ये खड़ा हो गया, इसको भाई ऐसे खड़ा कर रखा है इन्होंने यहाँ पर, यहाँ पर रस्सी से बांधा हुआ है, एक दो तीन, भाई लोग डाल ले अंदर, भाई पटाखे कहाँ करोगे पीठ दिख रहे हैं। अच्छा ये, अच्छा ये पटाखा है लो। सुतली बम भाई, कितने रावण खड़े कर रहे हो तुम, एक तो वहाँ पर हो गया और तीन रावण ही रावण, उसके साथ वाले अच्छा आज रावण ही होगा मतलब। तो इसको बोलते क्या है, इसको इसको बोरिया बोलते, बोरिया बोरिया ने डाल ले। ये भी लेटा हुआ, अरे वो रखो खाना रखो, एक बम इधर भी लगा रखा ऐसे, तो इसका अंदर इस तरीके से भाई इन्होंने यहाँ पर अभी अखबार लपेट रखा है, इसमें तब बोरिया डालेंगे और यहाँ पर सुतली बम बांधेंगे यहाँ पर ना भाई। भाई भी पहुँचा हुआ है, कब आया भाई तू, अभी आया। और जो आपको चीज़ दिखाने की बाकी रह गई वो है यहाँ का जब मेन होगा, जब यहाँ पर शाम के टाइम ये सब खड़े हो जाएंगे और जब यहाँ पर धनुष से उनके ऊपर प्रहार किया जाएगा, धनुष से क्या मैं बोलने का मतलब ये है कि कोई यहाँ पर गेस्ट आएंगे और धनुष छोड़ेंगे और धनुष से जब ये, धनुष तो बोलने की चीज़ है, जलेंगे वो पटाखे से। तो भाई ये हमारा यहाँ पर पानी भी है, जरा मैं पानी पी लेता हूँ, यहाँ पानी मिल चुका है। बता दीजिए यहाँ के बारे में, मतलब कब से हो रही है यहाँ पर ऐसा रावण दहन? मुझे तो इतना टाइम नहीं हुआ है, मुझे तो 45-46 साल को ही हुए। अच्छा जी, लेकिन लीला लगभग 100 साल पर पहुँचने वाली होगी रामलीला। हाँ ये वाली जी, तो इसे बाल रामलीला कहा जाता है, बाल रामलीला वो है, कहाँ ये है सामने। अच्छा ये सामने। हाँ ओके, और गढ़श्री वो है। अच्छा अलग अलग है। हाँ अलग अलग है, सबसे पुरानी रामलीला यही है, ये माल विद्यान की जो है ये वाली है। अच्छा तीनों ने मिलके कर रखा है यहाँ पर? नहीं मिल करके नहीं है,
पंडाल तो गवर्नमेंट की तरफ से इशू होता है, ये पंडाल जो है गवर्नमेंट की तरफ से होता है दशहरा मनाने के लिए। या जो तीन रावण है वो तीनों, हाँ तीनों पार्टी अलग 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 अलग। अच्छा ये तो हो गया माली उद्यान का रावण, हाँ ये वाला, यहाँ वो हो गया श्री कर रामलीला का रावण, हाँ जी, और ये हो गया श्री बाल रामलीला का रावण जी, ये वाला, हाँ जी। अच्छा तो अभी यहाँ पर गेस्ट आएंगे, हाँ जी, हाँ गेस्ट भी आएंगे। तो हर समय तीनों का ही होता है, जैसे कोड़दान में तो कई रामलीला होती है कई, ये जो है बाल लीला ये अभी दो एक तीन एक साल तीसरा साल समझो जी, तीन साल से हो रहा है, सबसे पुरानी रामलीला ये है, ठीक है। और वो जो है वो भी इसी से इसका जन्म हुआ, इसी लीला जो तीनों पंडाल है तो तीनों पंडाल के अलग अलग रावण है, तो देख सकते हो मतलब नज़दीक से ना, देखो यहाँ पर से सबसे नज़दीक रावण ये है तो ये इनका वाला है, फिर जो बीच वाला रावण होगा वो उनका होगा, और लास्ट में मालवीय उद्यान वालों का उधर किनारे। हमारा तो उम्र ये है हमारी वो 68 साल हो गई यहाँ पर, मतलब ये जो आपका आम पड़ाव वाली रामलीला है ये तो 10 साल से चलने वाली। अच्छा बहुत पुरानी लीला है ये राम आमपड़ा वाली, मतलब हर साल आप आते हो यहाँ पर, तो ऐसा है मतलब हर साल जो है वो तीनों ये लगती है जो और इस बार लगी है। अच्छा ठीक है, तो जो दशहरा मनाया जा रहा है कोटद्वार में, इसके अलावा कहीं और बनता है यहाँ पर फौजी ग्राउंड के अलावा? कोटद्वार में तो भाई यहीं पे बनता है, यहीं पर बनता है। तीन रामलीला होती है कोटद्वार में, तीनों रामलीला हो गए दशहरे भी रावण भी सब यहीं होते हैं। ठीक है, तो मतलब नज़ारा देखने लायक होगा जब यहाँ पर रावण जलेगा तो काफ़ी मजा आएगा, जैसे ग्राउंड है अभी तो खाली है, बहुत बच्चे घूम रहे इधर, लेकिन 5-6 घंटे बाद तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त भीड़ लगेगी। मतलब मेरा दिखाने का ये मकसद है कि आपको थोड़ा बिहाइंड द सीन्स जिसे कहते हैं, या फिर बैकग्राउंड में जो चीज़ें होती है, जैसे रावण कैसे तैयार होता है और उसे कैसे खड़ा करते हैं, और जैसे ये पीछे जो मंच बनाए गए हैं उस बारे में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है जानकारी प्राप्त करना। भाई ने की और पूछ लो, बना लो। क्या करना है? कुछ करना नहीं है बस, सवाल वाल अभी बना आ रहे हो ना आप, तो मैंने देख लिया था आपको अभी आ रहे। तो भाई बताओ पिछले साल आए थे? नहीं इसी साल आ रहे हो? देहरादून रहता ना। अच्छा इसलिए भाई लोग मिल गए यहाँ पर कोटद्वार के ये। तो यार ऐसा करते है अब, और भैया जी ठीक हो? अब मैं चल रहा हूँ वापिस, थोड़े घंटे बाद देखते यार मौका मिलेगा तो जरूर आऊँगा यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाने के लिए, लेकिन ये चक्कर ये है कि अभी 4-5 घंटा लगेगा पूरा यहाँ पर तैयार होने में, तब तक क्या करें, टाइम पास भी करना है अपना, तो फिर उसी पुल का पकड़ रहा हूँ रास्ता में और आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ मार्केट की तरफ निकलेगा। आपको करना ये है कि आपको ये वीडियो पूरा अभी तक आपने देख ही लिया होगा, ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे होंगे तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं अब।